जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडीबीएस पे। साथियों देखिए, सीआईटीएस बैच 2021-22 के लिए एक फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देख पा रहे होंगे डीजीटी के जरिए जारी किया गया है और 13 जुलाई को जारी किया गया था। यहाँ पे फिर से एक बार जो है अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में, यहाँ जो है कुछ बिंदुओं के बारे में जो है नोटिस जारी किया गया है। देख लेते हैं इस पे और इस पे कुछ हम लोग जो है बात भी करेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे जो दी गई हैं, कहाँ तक चीज़ें जो है सही हैं या गलत हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए, दिया गया है कि जो अगस्त में जो एग्जामिनेशन होगा, जिसका कि मैंने आपको शेड्यूल भी दे रखा है, कैंपेन तैपेन कराने के बाद जो पूरा शेड्यूल फिर आया था। तो यहाँ पर देखिए जो है जो आप लोग जो मतलब जो भी NSTI ITOTs में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए दिया गया कि 28 जून को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें कि ये चीज़ें कही गई थी कि जो है आई मीन 80% अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कैंपेन भी करा था, कैंपेन का रिप्लाई भी आया था, तो उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कि ट्रेनीज विथ ओवरऑल अटेंडेंस 80% एंड अबव, मतलब कि जो ट्रेनी है अगर 80% या फिर उससे अबव, ठीक है, उससे अबव, आउट ऑफ विच 50 days बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ ट्रेनी इज कम्पल्सरी फॉर NSTI और ITOTs विल अलाउ टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एंड इशुएंस ऑफ हॉल टिकट थ्रू NCBT MIS पोर्टल। कहा जा रहा है कि 80% अटेंडेंस चाहिए, जो कि आपका फिजिकल रूप से जो है रजिस्टर वाला अटेंडेंस या फिर उसके अभाव, और जो है 50 दिन का बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी कंपलसरी है, ठीक है। तो 50 दिन का कम से कम जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस और 80% जो है और उसे 80% अबव जो है रजिस्टर वाला अटेंडेंस, ये है, तभी आपका हॉल टिकट MIS पे जो है NCBT MIS पे जारी किया जाएगा। देखिए और दिया गया है कि ट्रेनीज हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली इन द इंस्टीट्यूट दे शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम NCBT। तो कहा जा रहा है कि जो रेगुलरली क्लास नहीं किए हैं, नहीं करते हैं, उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा NSTI से, ठीक है। तो ये चीज़ें दी गई हैं, देख लीजिए यहाँ पे जो है सुनील कुमार गुप्ता डायरेक्टर CFI सेक्शन के, इनका ही नोटिस था। चलिए ये तो बात हो गई जो ये जारी किया गया, अब इसके कुछ कंसिक्वेंस बता देता हूँ। जैसे कि ये नोटिफिकेशन जो 28 तारीख वाला जो आया था, उसके बाद हम लोगों ने एक कैंपेन किया था, वो कैंपेन करने के बाद फिर DGT का रिप्लाई भी आया था। रिप्लाई को आपको दिखाते हैं क्या रिप्लाई आया था DGT का। ये जो है हमारा ऑल इंडिया जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये व्हाट्सएप ग्रुप है। देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ था जो आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये नोटिस देख लीजिए, जो कि जो इधर के आपके डॉक्टर JP मतलब कि जो जया प्रकाशन है, जो कि डायरेक्टर हैं आपके DGT के, उनका रिप्लाई आया था जब हम लोगों ने कैंपेन किया था और उसमें कहा था कि 70% जो है अटेंडेंस किया जाए, ठीक है 70%, क्योंकि दिसंबर में जो नोटिस आया था उसमें 70% दिया गया था, इसलिए लड़के अपने टारगेट के अनुसार से 70% पूरा कर, लेकिन 80% बहुत बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो इस बार के लिए कम से कम जो है 70% फिर से कर दिया जाए, ये चीज़ें बात कही गई थी। उसको देखिए यहाँ पर रिप्लाई क्या आया था, रिप्लाई दिया गया था प्रिंसिपल हैव द राइट्स टू प्रोवाइड 10% अटेंडेंस रिलेक्सेशन। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो है वो 10% जो है अटेंडेंस रिलेक्सेशन दे सकते हैं, मतलब 80% अभी बोला जा रहा है, तो 70% तक जो है डायरेक्टर या फिर जो आपके प्रिंसिपल या फिर ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, ठीक है, सेक्शन इंचार्ज, वो आपका रियायत दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल जो है आपको मेल जो है आया हुआ था, जो कि इस मेल में ये चीज़ें लिखी गई, तो ये चीज़ें देखिए बिल्कुल गलत नहीं है, ये आप अपने सेक्शन में दिखाइए। अगर आपका कहीं परेशानी हो रहा है, 80% में आपको अगर दिक्कत हो रहा है अगर इंस्टीट्यूट में, तो ये मेल ज़रूर आप दिखाइए, और जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके आप वो मेल का कॉपी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तो नोटिस दिया गया 80%, लेकिन वो 70% उनको मान के चलिए सारी साल, लेकिन 50% जो बायोमेट्रिक वाला जो कंडीशन है वो तो होगा ही, और आप अगर रियल में अगर क्लास किए हैं तो 50 तो आपका क्लास बायोमेट्रिक वाला निश्चित ही होगा, तो इसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बट जो है ये वाला जो 80% वाला मामला है, 70% उसको मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मेल का कॉपी है और बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मेल में यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको मेल वगैरह सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको मेल ही खोल के दिखाता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पे जो है मेल का रिप्लाई आप लोग को मैं दिखा दूँ, तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये मैं ईमेल खोला हूँ ऐप में, देखिए यहाँ पे दिया है कि वही सेम चीज़ लिखा गया है, और यहाँ पे डॉक्टर MJayaprakashan, और ये देखिए इनका जो है मेल आईडी है ना, n.jayaprakashan@gov.in, तो बिल्कुल ऑफिशियल जो है ये मेल है जहाँ से कि मेल का रिप्लाई आया था। तो ये चीज़ें हैं, और ये पूरे कंटेंट्स देखिए जो कैंपेन कराए थे उसमें आप लोग को मैं यहाँ पर कहा था करने के लिए, और उसी का रिप्लाई यहाँ पर आया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी प्रॉब्लम फंसे होंगे तो उनका ये सोल्यूशन जो है मिल जाएगा उनको, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो इस बार का सेशन है उसके लिए भी बहुत सारे कंटेंट्स आ रहे हैं, प्रोविजनल जो है एडमिशन या फिर काउंसलिंग या फिर रिजल्ट वगैरह सभी कुछ जो है, या फिर जो कट ऑफ वगैरह सभी का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों वीडियो को भी रेफर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक आपका जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।